दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडिया के सबसे नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। इनका नाम है रेडी अन्ना। दोस्तों ये साल 2010 से बने हुए हैं। इनके पास 160 से भी ज्यादा गेम्स है और अगर दोस्तों बात करें 15 ज्यादा वेबसाइट है। इंडिया में 100 से ज्यादा इनके ब्रांचेस हैं और यहाँ पे आपको 24/7 विड्रॉवल भी मिलता है। आप इनके कॉन्टैक्ट थ्रू व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे आपको पेमेंट्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दोस्तों जल्दी से जाकर जुड़िए रेडी अन्ना से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे उनका जो मैच है गुजरात टाइटंस के खिलाफ 8 अप्रैल को, उसको लेकर पंजाब किंग्स की टीम क्या कुछ यहां पर बना सकती है प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, और जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि पंजाब किंग्स की टीम काफ़ी मजबूत और धाकड़ बन गई है इस सीज़न में, तो कहीं ना कहीं उनको जो है अपने आप को टॉप पर ही बरकरार करना पड़ेगा। दोस्तों क्या कुछ रहेगा प्लेइंग 11 और कौन कौन से रहेंगे खिलाड़ी, हम बात करेंगे वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते रहे हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर जो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में कि क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है ये खबर। तो अगर दोस्तों हम बात करें पंजाब किंग्स की, तो फिलहाल उन्होंने 3 मुकाबले खेले जहां पे 2 में उन्हें जीत मिली है, वहीं अगर बात करें तो 1 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस एकमात्र ऐसी टीम बची हुई है जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें पंजाब किंग्स को, तो पंजाब किंग्स का जो इसमें पोजीशन बताया जा रहा है पॉइंट्स टेबल पे, वो है 4th पायदान पे। जी हाँ दोस्तों, और अगर वहीं दोस्तों हम बात करें गुजरात टाइटंस की, तो इसमें 3rd पायदान पे बनी हुई है। अगर दोस्तों हम बात करें गुजरात टाइटंस की, तो इनकी गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी है, तेज तरार इनके पास गेंदबाज हैं। स्पिन डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो पूरी तरीके से राशिद खान इसे संभालते हैं और उसके बाद राहुल टेवटिया भी आके अच्छी तरीके से गेंदबाजी करके निकल जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो इनके पास गेंदबाज के रूप में काफ़ी अच्छे गेंदबाज है जो कि विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं मोहम्मद शमी को कि हर ओवर में जो है कुछ ना कोई विकेट लेकर जाते हैं, जहाँ पर गुजरात टाइटंस विपक्षी टीमों पर चढ़ती हुई जाती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स को मोहम्मद शमी के सामने बहुत जो है सावधानी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और उनके ओवर्स को है टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुख्य गेंदबाज का ही ओवर अगर आप टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे रन बनाने का अच्छा खासा चांस मिलेगा और बाकी जो गेंदबाज रहेंगे उनके ऊपर जो दबाव है पंजाब किंग्स की टीम बना सकती है। तो अब दोस्तों अगर बात करें इसी के साथ जो प्लेइंग 11 है तो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई दे सकता है। भानुका राजपक्षा जो कि अभी तक काफ़ी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए क्योंकि हो गए थे रन आउट, और अगर बात करें तो एक मिस कॉल की वजह से। तो अब दोस्तों कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स सोचना चाहेगी कि क्या भानुका राजपक्षा को टीम में रखा जाए या तो उनकी जगह अगर हम देखें तो जॉनी बेस्टो को टीम में लाया जाए। कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स इसमें असमंजस में रहेगी, लेकिन अगर दोस्तों जॉनी बेस्टो टीम में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग ही कंसिस्टेंसी पैदा करेंगे पंजाब किंग्स के लिए और पंजाब किंग्स को यहाँ पर अच्छा खासा मदद भी मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें पंजाब किंग्स के पास, तो उनके पास है विकेट कीपिंग के ऑप्शन के रूप में जितेश शर्मा, तो कहीं ना कहीं जॉनी बेस्टो का जो यहाँ पर प्लेइंग 11 में खेलना है वो फिक्स भी नहीं हो सकता है। अब दोस्तों अगर बात करें टॉप ऑर्डर में तो मयंक अग्रवाल, और अगर बात करें दोस्तों तो शिखर धवन तो बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मयंक का बल्ला नहीं बोला है अभी तक, तो कहीं ना कहीं उनको टॉप ऑर्डर के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या जॉनी बेस्ट और शिखर धवन से ओपन कराया जाए और मयंक अग्रवाल जो है खुद आ सकते हैं 3 नंबर बल्लेबाजी करने के लिए। अगर ये टीम के फायदे में जाता है तो मयंक अग्रवाल कहीं ना कहीं इस डिसीजन को ले सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो लियम लिविंगस्टन ने जिस तरीके से पारी खेली थी और गेंदबाजी की थी काफ़ी काबिले तारीफ थी, और उनके इस परफॉर्मेंस की बदौलत से पंजाब किंग्स की टीम उन्हें कतई जो है बाहर नहीं रखना चाहेगी और उनका जो पोजीशन है 4 नंबर पे वो बल्लेबाजी के लिए रखना चाहेगी। वहीं दोस्तों अगर बात करें शाहरुख खान की, तभी तक उनका भी बल्ला जो है खामोश रहा है, उनके जौहर हमें देखने को नहीं मिले हैं, 3 मैच बीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स जो है शाहरुख खान के बारे में सोच सकती है, लेकिन शाहरुख खान को प्लेइंग 11 से बाहर रखना कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स से गलत साबित हो सकता है, क्योंकि शाहरुख खान जिस मैच्योरिटी से बल्लेबाजी करते हैं और आखिरी ओवर में ब्लास्ट करते हैं वो पंजाब किंग्स को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं दोस्तों अगर बात करें ओडेन स्मिथ की, तो ओडेन स्मिथ का भी जो बल्ला है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो काफ़ी नहीं चला था, और जहां पे पंजाब किंग्स की उम्मीदें जो हैं वो निरस्त हो गई थी रन बनाने के मामले में। लेकिन अगर दोस्तों बात करें जितेश शर्मा, जो कि पंजाब किंग्स उम्मीदों को अकेले ही लेके चल रहे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी हिटिंग करके दिखा दी कि क्या उनमें काबिलियत है और उनको किस लिए बदलाव के रूप में लाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी हैं फिक्स रहेंगे और पंजाब किंग्स की टीम इसी प्लेइंग 11 के साथ हमें उतरते हुए दिखाई दे सकती है। अगर दोस्तों बात करें
मात्र चेंज के बारे में। तो जॉनी बेस्टो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है चेंजेस के रूप में देख सकते हैं, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम भानुका राजपक्षा को अगर एक और मौका देती है तो कहीं ना कहीं जॉनी बेस्टो को इस मैच में बाहर रहना पड़ सकता है। तो आपका क्या कहना दोस्तों इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों अगर बात करें गेंदबाजी लाइनअप की, तो वैभव अरोड़ा के आने के बाद पंजाब किंग्स की टीम कहीं ना कहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा खासा मजबूत दिखाई दे रही है। जहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें पंजाब की जो मैच हारी थी वहाँ पर उनको जो गेंदबाज है काफ़ी पस्त नज़र आए थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स की टीम इस गेंदबाजी लाइनअप से काफ़ी कुछ संतुष्ट होते हुए दिखाई देगी, जहाँ पर सभी गेंदबाजों ने उनके विकेट निकाले थे। बात करें वैभव अरोड़ा की तो पावर प्ले में उन्होंने 2 विकेट निकाले, तो वहीं अगर बात करें रसदीप सिंह की तो उनको भी जो है अच्छा खासा विकेट मिला था रविंद्र जडेजा का, और अगर बात करें रबाड़ा की तो उन्होंने जो है शुरुआती झटके दिए थे। और दोस्तों अगर बात करें राहुल चहर की तो उन्होंने जो स्पिन में काफ़ी अच्छा कमाल किया था, विकेट छटकाए थे। लियाम लिविंगस्टन ने बखूबी साथ निभाया था राहुल चहर का। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जो सेम प्लेइंग 11 उतरना चाहेगी, अगर एक बदलाव हम देखें तो जॉनी बेस्टो के बारे में दिख सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या जॉनी बेस्टो टीम में खेले या ना खेले हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।